नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बाढ़ परिशोधन 27 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना था, जो 27 अप्रैल को पूर्ण करके हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के साइट पे इसको अपलोड भी कर दिया। 28 अप्रैल को डाक पब्लिकेशन किया जाना था और सभी स्थलों पर, चिन्हित स्थलों पर डाक पब्लिकेशन कर दिया गया है। नगर परिषद चकिया की जो 2011 की जनसंख्या 41,548 है, उसके आलोक में 25 वार्ड में गठन का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसके संदर्भ में हम लोगों ने जो जिला स्तर से एक टीम गठित की गई थी, उस टीम के द्वारा कुल 25 वार्ड में वार्ड परिशीलन का प्रस्ताव उपस्थापित किया है। मुख्यतया 1662 जनसंख्या का एक औसत बनाया गया था और प्लस माइनस 500 की जनसंख्या को एक मानक बना के इसको वार्ड परिशीलन किया जाना था। हम लोगों ने जो वार्ड परिशीलन किया, आप अवगत हैं कि पूर्व में यहाँ 12 वार्ड थे, नगर पंचायत था। तो जो उत्तर पश्चिम से शुरू होके, उत्तर पश्चिम से शुरू करके हम लोगों ने, और जो दो तीन ग्राम बरमदिया और आदि से इमाद पट्टी आदि को शामिल किया गया था, तो जो दिशा निर्देश था उसके आलोक में बना दिया है। और आज हम लोगों ने आम जनता के लिए इसको डाक पब्लिकेशन को रखा है। आपके माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि इस डाक पब्लिकेशन को आप देखें, और अगर आपको लगता है कि कोई इसमें संशोधन की आवश्यकता है, दावा आपत्ति करने की आवश्यकता है, तो आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय दावा आपत्ति स्वीकार करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। आपको पता होगा कि आपत्ति की तिथि 28 अप्रैल से 11 मई 2022 तक है। तो इस अवधि में एक बार आप जरूर ड्राफ्ट को देखें, और जैसा आपको लगता है संशोधन की आवश्यकता हो या आपका कोई मंतव्य हो, तो निश्चित रूप से उप विकास आयुक्त महोदय के यहाँ इसको उपस्थापित कराएं। हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है कि 1662 के मानक पे ही चले, प्लस माइनस के 500 है, और उसी के अनुसार वार्ड का परिशीलन किया गया।